नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन अपने बिग ब्रदर्स के लिए कहना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल को गलत साबित करने की कोशिश की और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि उल्का पिंड 3:26 पर शाम को गुजरेगा। आप जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। मैंने उनको बताया था 5:56 ईटी के अनुसार यानी कि ईस्टर्न टाइम के अनुसार उल्का पिंड गुजर चुका है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वास्तव में कौन सच है। पहले आप लोग इस न्यूज़ को देखिए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ में वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो देखिए, यह है आपकी एबीपी न्यूज जिसके बारे में आप लोग कह रहे थे। ठीक है, एबीपी न्यूज है, इसमें मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें देखिए क्या लिख रहा है। इसमें लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू नासा सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज दी फ्लाई वाई इज एक्सपेक्टेड टू एक्योर एट 5:56 AM। आप देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था ईटी इरा ईस्टर्न टाइम के अनुसार 5:56 पर उल्का पिंड गुजर जाएगा। तो आप बताइए 5:56, मैंने आपको गलत बताया था कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राइट बात, मैं जो बताता हूँ आपको 100% श्योर। अब कुछ लोग मान रहे हैं कि इसको जो कोष्ठक में दे रखा है ना, इसको कि IST टाइम के अनुसार, इंडिया के टाइम के अनुसार ये उल्का पिंड 3:56 पर गुजरेगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, हर क्षेत्र का अलग अलग टाइम होता है, ये डिवाइड। तो दोस्तों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये चैनल बताएगा वो हकीकत ही होगा। आपके लिए मैंने खुद मेहनत की, मैंने कि मैं आपको वास्तविक न्यूज़ से अवगत करा देता हूँ। आप खुद देख रहे हैं, इसने ये जो टाइम है कोष्ठक में कर रखा है बंद, वास्तविक टाइम तो यही है जो रियल है, 5:56 AM को ईस्टर्न टाइम के अनुसार उल्का पिंड गुजर चुका है। अब देखो, हर क्षेत्र का अलग अलग टाइम होता है, मैंने आपको पहले बता दिया हर क्षेत्र का अलग अलग टाइम है। अब अमेरिका की टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अब जो सुबह यानी कि 9:56 पर अमेरिका के टाइम के अनुसार उल्का पिंड गुजर गया है। अब बताओ, अब किस पर विश्वास करोगे आप? मैं कह रहा हूँ आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी हकीकत ही मिलेगी। धन्यवाद।